जब भी दिमाग में प्रोराटा अलॉटमेंट आए तो जरा सोचो वो कौन से शेयर होल्डर हैं जो नालायक निकल गए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंट से प्रोराटा अलॉटमेंट के बारे में। और जब मैं बोल रहा हूँ प्रोराटा अलॉटमेंट की कंडीशंस, तो ये समझ के रखो कि कंपनी अकाउंट से ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन तो आप सारे बच्चों को पता है, अगर आपने ट्वेल्थ करी तो वहाँ पर भी और फाउंडेशन लेवल पर भी प्रोराटा अलॉटमेंट से क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो जब मैं आपको प्रोराटा अलॉटमेंट पढ़ा रहूँगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आज की इस वीडियो में आपको वो तीन कंडीशन, वो दो केसेस, वो कब कब शेयर होल्डर नालायक निकलते हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा इस पूरे कंसेप्ट को। जो भी प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन होंगे, कोई सा भी क्वेश्चन पकड़ के देख लो, आप ये वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन को सिंगल शॉट में कवर करने वाले हो। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि प्रोराटा अलॉटमेंट है क्या। बेसिकली देखो, जब दिमाग में प्रोराटा अलॉटमेंट आए तो समझ जाओ कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो डिसाइड करेंगे किन को कितना देना है। मतलब साफ है, हम इशू करेंगे जितना शेयर, उससे ज्यादा शेयर की एप्लीकेशन आएगी। अच्छा समझो, ज्यादा शेयर की एप्लीकेशन आई तो क्या करना है, सारे पैसे रख लेने? नहीं कर सकते ना। हम दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। पहली क्या कि हम जो एक्सेस पैसा आ रहा है हम उसे लौटा दें, जो कि एज यूजुअल है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो पैसा एक्सेस आ रहा है हम उससे बोलें, भाई साहब जो आप अगला पैसा देने वाले हो, जो अगली कॉल ड्यू करने वाले हो, हम उस पर एडजस्ट कर दे रहे हैं, अगर आप एग्री करो तो। समझ आ रही बात? और चेक करते हैं क्या। तो बेसिकली प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए हमने सिंपली लिखा है, वेयर अ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू शेयर होल्डर ऑन प्रोराटा बेसिस। सर प्रोराटा बेसिस का मतलब दिमाग में क्लियर रखो, जितना मांगे हो उतना नहीं मिलेगा, कुछ तो कम मिलेगा। और अगर कुछ कम मिल रहा है या फिर पूरा पूरा पैसा ही लौटा दिया, तो हम बोलते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रोराटा बेसिस पे डिसीजन लिया है। और चेक करते हैं क्या, जब हम प्रोराटा बेसिस की बात करेंगे तो क्या क्या कंडीशन। पहले बात करते हैं केसेस की। देखो आपने इसको जैसे भी पढ़ रखा है, इस वीडियो के थ्रू आज ये टॉपिक आप कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है जी। और चेक करते हैं केसेस। सर सबसे पहली बात आएगी, तीन डिफरेंट केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे होते हैं, एज अ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम डिसाइड करते हैं भाई जितना मांग रहे हैं लोग उनको पूरा का पूरा अलॉट कर दो। अच्छा ये कंडीशन अप्लाई कब होगी? देखो वेयर टू कंडीशन, फर्स्ट वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन, दैट मीन्स आपने जितने शेयर इशू किए हैं आपकी कंपनी की गुडविल इतनी खास नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। सेकेंड कंडीशन, आपने जितने शेयर इशू किए उससे ज़्यादा के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, दैट्स कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जिस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा वहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट होने के 99.99% चांसेस। ये डिटॉल के कीटाणु मारने वाला जैसा है, 0.1 हो सकता है ना हो। तो फुल अलॉटमेंट पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में आप क्या करने वाले सर, अब आप करने वाले हैं पार्शियल अलॉटमेंट। सर ये क्या है सर, पार्शियल अलॉटमेंट का मतलब है जितने शेयर आपने अप्लाई करे हैं ठीक है उससे कुछ कम हम आपको अलॉट कर देंगे। द थर्ड केस इज निल। अब इसको समझ के रखना कि इसमें करना कैसे, आपको वो समझाता हूँ। देखो आपने ब्लैक पेन ही यूज़ करनी पेपर में ठीक है, अगर मैं कहीं कहीं ब्लू यूज़ करते रहो तो आप समझो पेंसिल यूज़ करना है आपको ठीक है। अभी कंसेप्ट बताता हूँ आपको। फुल अलॉटमेंट होने क्या वाला है, अप्लाइड शेयर इज इक्वल टू अलॉटेड शेयर। मतलब साफ है, जितने शेयर के लिए आपने अप्लाई किया है उतना ही शेयर हम आपको अलॉट कर देंगे, इक्वल होगा। यहाँ पे कोई वर्किंग नोट, कोई कंडीशन नहीं वर्क करने वाली। बट कम्स टू सेकंड कंडीशन, पार्शियल अलॉटमेंट। इन पार्शियल अलॉटमेंट अब समझना इस बात को, आपने जितना अप्लाइड किया है वो ज़्यादा होगा हम जितना आपको अलॉट करेंगे उससे। मतलब साफ है, आपने मांगा ज़्यादा हम अलॉट कर रहे हैं कम, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, हमें सबकी डिमांड फुलफिल करनी है। नाउ कम टू केस थर्ड, यहाँ पे हम पैसा करने वाले हैं आपको रिफंड। मतलब जिस प्रोसेस से पैसा आपसे लिया था सेम उसी प्रोसेस से पैसा आपको रिफंड कर देंगे। लॉजिक क्लियर हो रहा है? चलो तो मैंने भी आपको बताए हैं तीन केसेस जो इन जनरल हमें परफॉर्म करने हैं। अब सर बात करेंगे कंडीशंस की। कितनी कंडीशन है सर, दो कंडीशन है प्रोराटा अलॉटमेंट समझने की, है ना। दो कंडीशन कौन कौन सी, कंडीशन नंबर वन चेक करते हैं जरा। ओके टोटल दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर वन देखेंगे। सर कंडीशन नंबर वन कहती है व्हेन अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर सम शेयर, कुछ शेयर के लिए इसने अप्लाई किया बट फेल टू पे
अलॉटमेंट मनी। तो पहली कंडीशन आती है सर, जब कोई एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है जिसने कुछ हिस्सा, कोई भी शेयर हो सकता है, उस शेयर के लिए अप्लाई किया है और वो अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल कर गया, ठीक है। कंडीशन नंबर टू, ओके, ध्यान से देखिएगा, है ना, मेहरबान कदरदान, ये कुछ ऐसा है। वेन अ शेयर होल्डर हु अलॉटेड फॉर सम शेयर, अब जो शेयर होल्डर जिसको कुछ एक पर्टिकुलर शेयर अलॉट किया गया है, बट ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अभी आपके दिमाग में बजा, भाई दोनों तो सेम ही लाइन लिख रहे हैं सर। ना जी, सेम नहीं है। देखिए, हु अप्लाइड फॉर एंड हुम अलॉटेड, इसने अप्लाई किया था, इसने अलॉट किया गया इसको, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। केस कंडीशन फर्स्ट में अप्लाइड दिया गया है तो मेरे भाई अलॉटेड शेयर निकालना पड़ेगा। केस सेकंड में अलॉटेड दिया गया है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको इस वक्त जैसा बता रहा हूँ ना, एक लेमैन की लैंग्वेज में सबसे आसान शब्दों में आज आप प्रोराटा सीखने वाले हो। मैंने भी इसी वीडियो बना रखा है, इस पर ऑलरेडी बनाया था, बट ऐसे नहीं पढ़ा है, बहुत बेसिक कंडीशन से स्टार्ट करा था और फिनिश किया था, बट आज आपको बता रहा हूँ बहुत डिटेल में। तो ये दो चीज़ें हो गई, केसेज हो गए, कंडीशन हो गई। सर अब क्या करना है, सर यहाँ से जो चीज़ें निकल के आती हैं वो बताता हूँ क्या है। आपको परफॉर्म करना होता है एक वर्किंग नोट, समझ रहे हो क्या, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या है सर, ये वर्किंग नोट है आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सर क्या इसको नहीं करें तो चलेगा, बिना इसके क्वेश्चन होगा ही नहीं सर, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये वर्किंग नोट करना पड़ता है आपको ना। वाई क्लियर होना चाहिए, वर्क नोट क्यों करना है वो बताता हूँ। दो रीज़न है। पहला रीज़न, जब आप अलॉटमेंट की रिसीविंग वाली एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे अमाउंट कहाँ से लिखोगे, वो यहाँ से निकल के आएगा। दूसरा रीज़न, जब आप फॉर फ्यूचर की एंट्री कर रहे हैं, तो फॉर फ्यूचर में जब आप अलॉटमेंट को क्रेडिट करोगे कि कितना पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला, वो पैसा भी यहीं से निकल के आएगा। कैसे करना है आओ समझाता हूँ। वर्क नोट हमको, देखो आप अगर टेबल के थ्रू अब तक लगाते आए हो तो मेरे भाई टेबल वाला पैटर्न बहुत पुराना है। जब इवन हमने भी जब पढ़ाई करी थी ना ट्वेल्थ वगैरह में, तब हमारे टीचर्स हमें टेबल के थ्रू पढ़ाया था। बट पिछले 10 साल से ज़्यादा टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ और आज तक मैंने टेबल वाला ना पढ़ाया, ना हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग भी यही करो। देखो कैसे करना है, सिंपल सा, दो स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं, उन दो स्टेटमेंट पे ये आराम से लग जाएगा। बताता हूँ क्या है, देखिए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हम सबसे पहले नोट करेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है, कैसे आएगा। सर इसके लिए हमें लिखना होगा अलॉटेड शेयर, कितने शेयर अलॉट हुए, इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट, समझ रहे हो क्या, क्या करना पड़ा, जितने शेयर अलॉट किए उसमें किस रेट से मल्टीप्लाई किया, जो अलॉटमेंट का रेट है। अब सर क्या करेंगे, लेस, अच्छा लेस क्या करेंगे सर, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन अप्लीकेशन। अच्छा ये क्यों हो रहा है यार, एक बात बताओ, हम केस पढ़ रहे हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब हमने जितने शेयर इशू किए थे उससे ज़्यादा की अप्लीकेशन आ गई। अगर ज़्यादा की अप्लीकेशन आ गई तो केस सेकंड पे ध्यान दो, पार्शियल अलॉटमेंट हुआ है, मतलब क्या है, अप्लाइड शेयर ज़्यादा है अलॉटेड शेयर से, तो ये पैसा हम क्या करेंगे, एक्सेस पैसे को एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, इस एक्सेस पैसे को हम क्या करने वाले हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देने वाले हैं। मतलब हम जो पैसा एक्स्ट्रा पा गए, हम बोलेंगे भाई आप इतने शेयर का अलॉटमेंट पे पैसा मत देना। मतलब साफ है, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन अप्लीकेशन, अप्लीकेशन पे मिल गया था ना, क्या करेंगे इसको हम माइनस कर लेंगे। अब जो पैसा आया, अगेन अब इस दो कंडीशन को फॉलो करना है। अभी मैं आपको अमाउंट के थ्रू भी बताऊंगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट जान लो। अब क्या करना है, फिर से हमें लिखना होगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मेरे भाई बहुत सिंपल है, ध्यान रखना इसको। अच्छा ये अमाउंट ऑलरेडी रिसीव ऑन अप्लीकेशन वाला अमाउंट कैसे आएगा, तो देखो जरा, इसमें हम लिखेंगे एक्सेस शेयर, एक्सेस का मतलब
ये जो डिफरेंस है, मान लो यहाँ पे 12,000 है, यहाँ 8,000 है, तो एक्सेस कितना हुआ 4,000, है ना। एक्सेस शेयर इनटू रेट, पर ध्यान रखना रेट ऑफ अप्लीकेशन लगेगा, अलॉटमेंट का रेट नहीं लगेगा सर। क्यों? बिकॉज पैसा कहाँ पे रिसीव हुआ है? एक्सेस अप्लीकेशन पे। तो जब आप पैसा एडजस्ट करोगे तो किस रेट से? अप्लीकेशन के रेट से। सिर्फ इतना दिमाग में रखना। इन जनरल बच्चा क्या करता है, उसके दिमाग में सर अलॉटमेंट निकाल रहे हैं, अलॉटमेंट रेट घुसा दिया, क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो गया, तो ध्यान रखोगे। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट क्या करोगे सर? फिर से लिखेंगे अलॉटेड शेयर, बट दिट कम्स फ्रॉम द कंडीशंस, इनमें से कोई एक कंडीशन हो सकती है, तो अलॉटेड शेयर इनटू सेम पैटर्न रिपीट करना है अपने को, रेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है जी। फिर लिखेंगे लेस, अच्छा ये जो लेस लिख रहे हो ये इसमें से ही लेस होगा, ये ध्यान रखना बस, है ना। ओके, लेस क्या करेंगे, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन, काहे पे रिसीव हो गया भाई, अप्लीकेशन पे। अच्छा ब्रैकेट में क्या लगाना है अपने को, ब्रैकेट में क्या लगाना है सर, एक्सेस शेयर, ठीक है ना। एक्सेस शेयर, एक्सेस शेयर का मतलब जो एक्स्ट्रा हो गया, कैसे पता चलेगा, ध्यान रखो कंडीशन फर्स्ट अगर है, अप्लाइड किया है तो हम अलॉटेड निकाल लेंगे, एक्सेस पता लग जाएगा। अगर अलॉटेड दिया गया है तो हम अप्लाइड निकाल लेंगे तो भी एक्सेस पता लग जाएगा। अच्छा दिमाग में आ रहा है कैसे, आओ बताता हूँ। देखो यहाँ पे समझो ये कैसे निकालना है, वो भी क्लियर करते हैं। एजम्पशन ले लो, मान लो आपको दिया गया है कि भाई 200 शेयर अलॉट किया है, तो मेरी एक लाइन ध्यान रखना, जो दिया है वो नीचे, फिर से बोलूँ, जो दिया है वो नीचे बोले तो अपॉन में, जैसे अगर मान लो अलॉटेड दिया है, तो मैं आपको अलॉटेड वाली कंडीशन यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपको केस ये दे रहा हूँ कि 200 शेयर अलॉट किया गया है, ठीक है, अप्लीकेशन आई है 1.5 लाख शेयर की, 1,50,000, और हम अलॉट कर सकते हैं 1 लाख। तो सर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बना कि नहीं बना? आपने 1 लाख शेयर इशू किए, अप्लीकेशन आई 1,50,000 की, तो केस ओवर सब्सक्रिप्शन का बन गया। अब अगर हम यहाँ प्रोराट अलॉटमेंट कर रहे हैं तो, और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है अलॉटेड 200 शेयर, मैंने बोला जो दिया गया है वो नीचे, ये अप्लाइड है ये अलॉटेड है, क्लियर ना। तो 200 लिखा इनटू जो दिया गया है वो नीचे, जो दिया गया है अलॉटेड, अलॉटेड दिया गया है तो अलॉटेड नीचे, ऊपर क्या जाएगा 1.5 लाख। तो अप्लाइड शेयर कितने हो गए सर, 300, समझ आ रहा है। अच्छा इसी का रिवर्स कर दो, मान लो अप्लाइड दिया होता 300, तो जो दिया गया है वो नीचे, मतलब क्या हुआ 300 शेयर लिखा, जो दिया गया है वो नीचे, मतलब अपॉन में क्या गए 1.5 लाख, तो अलॉटेड ऊपर चला गया, तो कितने शेयर अलॉटेड निकल के आए 200। अच्छा एक्सेस की बात हो रही है, एक्सेस शेयर कितने हैं, 300 में से 200 माइनस कर दो, एक्सेस पता लग जाएगा, है ना। एक्सेस शेयर इनटू, अच्छा रेट का हैगा, ये ध्यान रखना, यहाँ गलती अक्सर हो जाती है, रेट ऑफ अप्लीकेशन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ हम पैसा लिख देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, और ये पैसा इस पैसे में ऐड होके हम दिखाएंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है। पहली चीज ये मिल गया, दूसरा सर फॉरफीचर वाले पे कौन सा पैसा ले जाना है। देखो ये पैसा हमने मांगा, ठीक है, इसमें से इतना पैसा पहले ही मिल चुका है, तो जो पैसा नहीं मिला वो पैसा जाएगा इसमें फॉरफीचर में, अलॉटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया, तो चलो इसको नोट करो, मैं अभी कट नहीं करने वाला हूँ, यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एग्जांपल जिसके थ्रू आप ये कंडीशन अच्छे से समझ जाओ। अच्छा इसको बचा के रखें, इसी पे लगा के दिखाऊँ क्या, चलिए जी आइए, फिर आइए आपको यहीं से समझाना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यार कल की वीडियो में ना आप लोग का जो रिस्पॉन्स था, सीरियस नोट पर बोल रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग था। मतलब वो वीडियो मैंने एक्चुअली ऐसे ही प्लान किया कि लो यार देखते हैं बच्चे क्या सोच रहे हैं फेल होने के लिए, कैसे फेल होके दिखा सकते हैं बच्चे, और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, अमेजिंग रिस्पॉन्स आपके साइड से, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिस्पॉन्स। बिकॉज क्या होता है ना, टीचर के लिए यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे आप 300 से ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हो, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 5,000 से ज़्यादा बच्चे कुछ ही घंटे मुझे देख चुके हैं, मतलब पता चलता है आपने दबा के शेयर की वीडियो। चलो तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, मैं दो एग्जाम्पल लूँगा बेसिकली, जहाँ आप समझ पाओ। तो करना क्या है, क्वेश्चन आप देखोगे जितना शेयर इश्यू है उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आनी चाहिए, वो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 केस लगा सकते हैं, फुल पार्शियल निल, आओ करके दिखाता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन मिले ना, एक ऐसा टी बनाओ मस्त सा, फिर टी को ऐसे करो, फिर ऐसे करो,
है ना, मैं आर्ट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। फिर ये होगा अप्लाइड, फिर ये होगा अलॉटेड। अब एजम्पशन ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 60,000 शेयर इशू किए, 75,000 की अप्लीकेशन आई, तो जितना इशू किए हो क्या उससे ज़्यादा अलॉट कर सकते हो? नहीं। अप्लीकेशन कितने की आई? 75,000 की। अच्छा समझना, मैं आपको तीन केस बोलने वाला हूँ। पहला क्या सर? फुल। दूसरा क्या सर? पार्शियल। तीसरा क्या? निल। अब समझते हैं कि जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लीकेशन मांगी है कि भाई 40,000 शेयर हमें चाहिए, हमने उनको 40,000 शेयर अलॉट कर दिए, कौन सी कंडीशन है सर? फुल कंडीशन, फुल अलॉटमेंट। सेकंड, जिन्होंने 25,000 के लिए अप्लीकेशन दी, भाई हमको 25,000 शेयर दे दो, हमने उन्हें 20,000 शेयर अलॉट किए, क्या कंडीशन निकल के आई? पार्शियल। अभी देखो 60,000 अलॉट हो चुका, कुछ और अलॉट कर सकते हो क्या? तो जवाब है निल। 75,000 में 65,000 तो हो गया, लेकिन 10,000 स्टिल रिमेन। तो जिन्होंने 10,000 शेयर की एप्लीकेशन मांगी, हमने उनको कितना अलॉट किया? निल। समझ आ रहा है? अब इसमें क्या करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? इन दो पे कंडीशन, यहाँ क्या होगा ध्यान से देखिएगा, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो सर जो एक्सेस मनी ना लिख के एक्सेस शेयर लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको ये, एक्सेस शेयर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। कितना एक्सेस है सर? 5,000 शेयर एक्सेस है, हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, ये वाली कंडीशन। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन क्या करेंगे? एक्सेस शेयर कितना है? 5,000 इंटू रेट काहे का? अप्लीकेशन का। धड़ल्ले से माइनस करेंगे, काम आगे बढ़ जाएगा। अभी तीसरा, जिन्होंने 10,000 की अप्लीकेशन दी उनको हमने निल, मतलब हम क्या करने वाले हैं? इनको रिफंड करने वाले। कैसे करेंगे? टू बैंक करके। एक कंडीशन और ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में पैसा जो आप एडजस्ट कर रहे हो वो अलॉटमेंट से भी ज़्यादा निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो ज़्यादा पैसा है उसको काहे पे एडजस्ट कर दो? कॉल पे कर दो। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट कर रहे हो, मान लो 30,000 रुपये एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन अलॉटमेंट पे 25,000 या 20,000 या 28,000, चलो ये समझते हैं, 28,000 ज़्यादा एडजस्ट हो ही नहीं सकता, तो जो 2,000 और एक्स्ट्रा निकल गया अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा? कॉल ना, कॉल पे एडजस्ट कर दो, ठीक है? ये एक कंडीशन, ओके, ये इसी पे वर्क करेगी। और एक और बता देता हूँ आपको, चलो है ना, दो कंडीशन बता दूँ, फिर आपको एंट्री वाइज मूव कराता हूँ कि एंट्री कैसे करनी है। ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ प्रोराटा अलॉटमेंट को। अब एक काम और है, आप चाहेंगे तो मैं इसमें आपको क्वेश्चंस भी लगा के दिखाऊंगा, बिकॉज टॉपिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं सर, है ना। चलिए सेकंड केस लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि अब सेम रखेंगे और देखते हैं अप्लाइड, वो भाई टी बनाना है, समझ रहे हो ना, अप्लाइड अलॉटेड। तो कैसे पता लगेगा कि हमको ये केस लगाना है? जब भी आपके इशूड शेयर से अप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ जाएगी, तो भाई समझ जाना कि केस कौन सा है, प्रो राटा अलॉटमेंट का। आओ देखते हैं, अब यहाँ पे अप्लाइड अलॉटेड हो गया। एजम्पशन लेते हैं कि हमने 20,000 शेयर इशू करे, अप्लीकेशन आ गई कितने की? 30,000 शेयर की। सर बताइए, आपने 20,000 इशू करा, 30,000 की अप्लीकेशन आई, तो केस कौन सा बन गया? ऑब्वियस ही बात है, प्रो राटा अलॉटमेंट का, है ना। अब क्या देखना है हमें, फिर से फुल अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट एंड निल अलॉटमेंट। अगर कंडीशन वाइज मूव करें, मान लो किसी ने बोला कि भैया 8,000 शेयर दोगे क्या, हमने बोला ले लो साहब, किसी ने बोला भैया 16,000 शेयर दो क्या, हमने कहा ना जी ना, पैसे हमारे पास बचे नहीं शेयर यार, 12,000 बच रहे, 20 में से 8 माइनस 12। अब इधर देखो जरा, इधर कितने बच गए? 6,000 शेयर। इसने बोला 6,000 मिलेगा क्या? हम बोला साहब शेयर तो ख़त्म, साहब कहाँ से देंगे आपको, है ना। अब ये सारी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ, सिंपली जल्दी से सुन लो, जितना एक्सेस हो रहा है, कितना एक्सेस हो रहा है? 4,000 शेयर। कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। इसको क्या करेंगे? टू बैंक करके पैसा रिफंड कर देंगे। आओ एंट्री वाइज मूव करते हैं, अप्लीकेशन की जो फर्स्ट एंट्री है क्या है? अच्छा सुनो, अप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, रटना मत, समझना, रिसीव ट्रांसफ़र, ठीक है, इसके बाद ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव,
ड्यू रिसीव, ये एंट्री होती है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। इन बिटवीन अगर बोलता है अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉर फ्यूचर करो तो फॉर फ्यूचर, अगर नहीं बोला तो सबसे आखिरी में फॉर फ्यूचर। इतनी एंट्री करके कंपनी अकाउंट के इस टॉपिक का 15 नंबर इन। आओ बता दो एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन की रिसीविंग एंट्री, ये एंट्री सबसे सस्ती एंट्री में से एक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी, पूरा लिखने की कोशिश जरूर करिएगा, जल एंट्री का फॉर्मेट बनाइएगा, नरेशन लिखिएगा, और ये काम एग्जामिनेशन में जाके एक्सपीरियंस नहीं करना, घर पे ही करना। कल की वीडियो आपने देखी होगी, है ना, डोंट प्रैक्टिस मोर एंड यू विल बी फेल्ड। सो आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं मान रहा हूँ इस बात को। रिसीविंग हो गई, फिर अब एंट्री है आपकी ट्रांसफ़र की। ये एंट्री समझना, एंट्री करनी है अपने को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। ये एक सस्ती और टिकाऊ एंट्री है जहाँ पे कोई कंडीशन वर्क नहीं करती। अब मानते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्रेडिट होता है क्योंकि इनकम है, क्रेडिट कर लो, ठीक है। अब आप पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो टू शेयर अलॉटमेंट, मान लो पैसा एक्सेस निकल गया, जो मैं बात यहाँ कर रहा था, तो टू शेयर कॉल, भाई अप्लीकेशन का पैसा तो एडजस्ट हो रहा है ना, अलॉटमेंट कॉल पे वो भी लिख दिया। और जो पैसा, अच्छा यहाँ पे कौन सा पैसा लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट में, ये पैसा इसके एक्सेस वाला होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कॉल पे कौन सा, जो उससे भी ज़्यादा निकल गया वो कॉल पे। और एट द एंड जो पैसा आप रिफंड कर रहे हो, है ना, नील, वो पैसा यहाँ पे। रेट कौन सा यूज़ होगा, रेट ध्यान रखिएगा, रेट अप्लीकेशन का जो रेट है उसी रेट से उस शेयर को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर ना, ये हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपसे बताया अभी वर्क नोट, इसके पहले मैंने आपसे बोला था, उस वर्क नोट से जब हम अलॉटमेंट के रिसीविंग, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री कर रहे होंगे, तो जो पैसा पूरे वर्क नोट के बाद में आया था वो पैसा वहाँ दिखा देंगे, और जो पैसा हमने बोला था फॉर फ्यूचर वाले में, अलॉटमेंट जहाँ क्रिएट होता है वहाँ पे वो दिखा देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप ये प्रोराटा अलॉटमेंट आपको समझ आया है। अब आपने क्या करना है वो बताता हूँ। देखो आज आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से डेफिनेटली मिल जाएगा रात 9 बजे, बट मुझे क्या ना ये चाहिए कि आप सबके सब बच्चे कमेंट करें, मुझे बताएं कि हाँ सर नीड है। क्योंकि क्या होता है, लास्ट वीडियो मैंने जब कंपनी की बैलेंस शीट पब्लिश करी तो उसको एक दिन बीतने के बाद 2000 बच्चों ने देखा। अरे मज़े मार रहे हो यार, कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, स्टिल मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ हर एक टॉपिक, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में, है ना। तो पढ़ो ज़रूर, कमेंट करके बताया करो, क्योंकि हमारी आपकी जो कनेक्टिविटी है, बॉन्डिंग है, समझो फ्यूचर से स्लॉट ऑन वालों से मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, बट जो रिमेनिंग सीटीसी फैमिली मेंबर हैं इनसे तो भाई यही कनेक्टिविटी है ना, आप कमेंट करते हो तो पता चलता है। तो मुझे कमेंट करके ये बताना कि कितने लोग को भाई रात 9 बजे टेलीग्राम पे इस टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए, फर्स्ट थिंग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोराटा अलॉटमेंट पे एक फुल फ्लैट क्वेश्चन आपको लगा के दिखाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, डेफिनेटली लगा के दिखाऊंगा। और हाँ, टाइम बार्ड क्वेश्चन लगना चाहिए, आपको क्वेश्चन आता है ये बड़ी बात नहीं है कि आपने 45 मिनट एक घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, भाई एकदम मस्त बवाल, नहीं चलेगा। आपको ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, दैट्स इट, 15 मिनट में वर्किंग नोट, जल एंट्री सारी होनी चाहिए, कैलकुलेटर पे स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इन फॉर्मेट होनी चाहिए, बिकॉज आप जब घर पे पढ़ते हो फॉर्मेट को आप साइड कर देते हो कि भाई मैं कर लूँगा, नहीं, वहाँ पे फिर टाइम लगता है आपको पेपर में, समझ रहे हो। यहीं पे आप पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करो, फॉर्मेट बनाओ, एंट्री तरीके से लिखो, ब्लैक पेन ही यूज़ करो, नरेशन प्रॉपर लिखो, अमाउंट में कॉमा लगाओ, ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सो मिलता हूँ आज शाम 6 बजे आपकी बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।